नमस्कार, मेरा नाम छत्रुराम महतो है। मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से स्नातक विज्ञान विषय में डिग्री हासिल की है और मुझे 10 सालों से शिक्षा का अनुभव है। मेरे जिले हजारीबाग की विशेषता यह है कि यह जिला प्राकृतिक वातावरण से सुशोभित है। यहाँ नदी, झील, छोटे छोटी पहाड़ियाँ से घिरा हुआ यह हरा भरा क्षेत्र काफ़ी मनोरंजक और मनभावन है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह जिला काफ़ी अग्रणी है। यहाँ नेशनल पार्क, छोटे छोटे पार्क, जेपी सेंट्रल जेल, सूरजकुंड जलप्रपात आदि प्रसिद्ध जगह है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरडीहा है। यहाँ 160 बच्चे पढ़ते हैं। मेरी समस्या यह थी कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय ऑनलाइन कक्षा का संचालन कैसे किया जाए और बच्चों को पढ़ाई से कैसे जोड़ा जाए। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने का कई तरीके सीखा, जैसे कि वेब टूल्स में मीटिंग शेड्यूल करना, लिंक शेयर करना, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना, ई कंटेंट बनाना, यूट्यूब पर अपलोड करना, स्क्रीन शेयर करना इत्यादि। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री नीलेश शर्मा ने मेरी मदद की। उन्होंने मेरी समस्या सुधारने में काफ़ी मदद की। मैंने समस्या का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चों और अभिभावकों के पास स्मार्टफोन की कमी के कारण काफ़ी बच्चे इससे वंचित रहते थे। जब टोला क्लास का संचालन करते थे तो इस कंटेंट को अपने ही मोबाइल फोन से बच्चों को दिखाया और समझाया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल के रूप में उभर रहा है क्योंकि यहाँ नवाचार और गतिविधि आधारित शिक्षा पद्धति लागू हो रही है। इसमें सभी हमारे साथी शिक्षक भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।